अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा था दोपहर का वक्त, बल्कि दोपहर क्या, शाम हो रही थी। और यहाँ पर मेरा कि मैंने 3 पोनियाँ बनाई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं पोनियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने ऑयलिंग किया था सर पे, तो मैं पोनी बना ली थी। तो इसलिए जब मेरा ने देखा कि मम्मा ने पोनी बनाई है, तो मेरा ने भी डिमांड की पोनियाँ बनाने की। तो मैंने उनके छोटे छोटे बालों में ये 3 पोनियाँ बना दी, और फिर तफरी तफरी में शान भी आ गए कि मम्मा मैंने भी बनानी है पोनी। तो मैंने उनकी पोनी बना दी, और उसके बाद उनको खुद को इतनी बुरी लगी अपनी पोनी कि उन्होंने फ़ौरन से जाकर उसको निकाल दिया। खोल खोल देती हूँ, ला ला मैं इसको खोल दूँ। प्लीज प्लीज ला, प्लीज खोल दूँ। इधर दिखाइए ये वाली। नहीं अच्छी लग रही है। नहीं, उतार दो उतार दो। शान आपने क्यों बनवाई है पोनी? आपने क्यों पोनी बनवाई है? मुझे नहीं पता। आपने जबरदस्ती पोनी बनवाई है ना मुझसे? क्या नहीं वो पसंद नहीं आ रही? अच्छे तो बॉयज जो है वो पोनी नहीं बांधते क्या? बॉयज पोनी बांधते नहीं बांधते? हाँ हेलो बांधते बैगन बांधते हैं। तू छोटी छोटी पुनी, छोटी सी पुनी। लाओ शान, आपकी एक दफा और पोनी बांध दूं मैं। आओ लाओ ना, एक दफा और पोनी बांध देते हो। अच्छे लग रहे थे हैं? तो यहाँ पर मेरी शुगर की जो बर्नी थी वो खाली हो गई थी, और मैं उसको रिफ़िल कर रही थी। और बैकग्राउंड में जो पोएम चल रही है माय मदर, तो वो शान को मुझे याद करवानी थी। उनको होमवर्क में मिली थी तो मैंने उनको पढ़ा दिया था, लेकिन उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी याद करने में। तो मैंने जो है वो LED पर पोएम लगा दी थी यूट्यूब पर सर्च करके, तो वहाँ से बार बार रिपीट रिपीट मोड पे जो है ना मैं शान के लिए प्ले कर रही थी, तो शान उसको देखते देखते याद करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा ना, विजुअली याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। रिफ़िल करने के बाद थोड़ी सी शुगर बच गई थी, तो मैं उसको अच्छे से रोल करके और रबर बैंड लगा के वापस से बकेट में रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है, और आज मैं जो हूँ वो अल्फारेडो पास्ता बनाने की तैयारी में थी, तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, साथ में थोड़ा सा ऑयल और नमक ऐड कर दिया था। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा दूध बॉईल करने के लिए रखा था, क्योंकि बच्चों ने दोपहर में कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों को दूध पिला देते हैं और ख़ुद भी दूध पी लेते हैं। चले जी, इसमें बॉईल भी आ गया अच्छे से, तो मैं मैक्रोनी डाल दूंगी और 10 मिनट वेट कर लूँगी, और आफ्टर 10 मिनट हम इसको निकाल कर ड्रेन कर लेंगे और ठंडा पानी अच्छे से ना ऊपर से पोर कर लेंगे। और जब अच्छे से आप ठंडे पानी से इसको जो है ना खंगाल चुके हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको मिक्स करके छोड़ दीजिएगा, ताकि आपके मैक्रोनी जो है वो चिपक ना जाए।
अच्छा, व्हाइट सॉस पास्ता के लिए मैं यहाँ पर जो है ना चिकन के पीसेस निकाले थे, तो मेरे पास ना यहाँ पर नॉर्मल चिकन पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने जो साफ साफ बोटियाँ थी ना, रूखी बोटियाँ, उसको मैंने निकाल कर और उसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया था, और बाकी जो है ना वो जो हड्डी वाली बोटियाँ थी उसको मैंने साइड कर दिया था। एक कुछ इस शेप में इतने छोटे छोटे पीस आपने कट कर लेना है। चलो जी, चिकन के हमने जो है ना स्क्वायर शेप में पीसेस बना लिए हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है गोश्त से हमने निकाल ली थी, थोड़े से रेशे वगैरह जो भी थे वो उसको हम फेंक देंगे, और सारी बोटियों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है हमने, बाउल में ऐड कर लिया है। और अब इसमें मैंने जो है ना वो कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर की थी, और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था यहाँ पर वाइट पेपर, और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर। इसके अलावा मैंने कुटी हुई मिर्ची भी ऐड की थी थोड़ी सी, और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के जो है ना वो सिरका भी ऐड किया था, और सिरके के साथ साथ सोया सॉस भी ऐड किया था 1 चम्मच भर के, और नमक तो आपने ऐड करना ही करना है। इसके अलावा जो है ना वो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया था, और चिकन पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, और इसको मिक्स करके आप मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देंगे। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, और उसके बाद मैंने जो मैरिनेट मेरा चिकन है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, आपने जस्ट शैलो फ्राई ही करना है, और इसमें आपको अच्छे से गला लेना है। तो मैंने यहाँ पर चिकन डाल लिया है, चिकन को मैं अच्छे से भूनूंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको इसी में छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो जब पानी रिलीज़ करेगा तो उसी पानी में जो है वो चिकन हमारा गल जाएगा। थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट छोड़ देंगे ढककर, एंड देन जब हमारा चिकन गल जाएगा, ये जो है ना भूनने के बाद मैंने इसको जो है ना लो फ्लेम पे छोड़ दिया था ढककर, तो ये चिकन का अपना ही पानी रिलीज़ हुआ है, और अब इसी ही पानी में जो है ना चिकन को मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट्स पका लूँगी, तो ये अच्छे से गल भी जाएगा। 5 से 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, इनफ है, तो ये जो है ना अच्छे से गल भी जाएगा, और फिर मैं इसका ये सारा जो है ना इसको भून देंगे हम लास्ट में, और इसको हटा के फिर हमारा चिकन एक साइड कर देंगे। चलिए जी, बस 5 से 7 मिनट हो गए, और अब हम इसको ना एक दफ़ा अच्छे से भून लेंगे और निकाल लेंगे। चिकन हमारे अच्छे गल चुके हैं, इतने इसको ज़रूरत भी नहीं है गलाने की। अच्छा जी, चिकन को निकाल लेने के बाद उसी ऑयल में हम थोड़ा सा जो है वो बटर ऐड करेंगे, बटर को मेल्ट कर लेंगे, बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे ऑयल के साथ। और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पर 2 चमचे भर कर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, जबकि मुझे कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना था, मुझे मैदा ऐड करना था। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करके जब मिक्स किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है ना कंसिस्टेंसी वैसी नहीं आ रही है। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है बजाय मैदा ऐड करने के। तो चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। फिर मैंने निकाला मैदा, और मैदा निकाल के मैंने इसमें 2 चमचे मैदा ऐड किया, और उसको फिर मैंने मिक्स कर लिया।
मिक्सचर है जी, ये अच्छे से आपने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक मुश्किल ये आ रही थी कि मैंने जो गलती से स्टार्टिंग में कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया था, उसकी वजह से मेरी जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो आ नहीं रही थी, इसमें गाढ़ापन थोड़ा सा आ रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है अब ज़ाया तो नहीं करेंगे ना भाई, रिस्क है, रिस्क को हम ज़ाया नहीं कर सकते। तो मैंने फिर इसी को यूटिलाइज़ किया एंड देन मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध थोड़ा ऐड करते गई करते गई, और फिर मुझे जो मेरी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी। मैंने इसको ज़ाया नहीं किया बिल्कुल भी। तो अगर आपसे भी कभी ऐसा हो कि खाना पकाते हुए आप कर कुछ रहे हो कुछ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, और कुछ ना कुछ करके आपने उसको जो है ना वो ऐसा कर लेना है कि वो डिश खाने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पर ना मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही थी, जो मेरी कंसिस्टेंसी आ गई थोड़ा सा पक गया, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने एक छोटा चमचा जो है ना वो गार्लिक पाउडर ऐड किया। मैंने 1 टीस्पून जो है ना इसमें कुटी हुई मिर्ची भी ऐड की। मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमेशा आपने कम क्वांटिटी में ऐड करना होता है ताकि कभी भी आपके खाने में नमक ज़्यादा ना हो। एंड देन फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगी ताकि जो भी चीज़ हमारी वो अच्छे से पक जाए। एंड देन फिर आपने इसमें चीज़ ऐड करनी है। मेरे पास यहाँ पर चेडर चीज़ मौजूद थी तो मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से हिलाते जाना है ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी कंसिस्टेंसी पकाते पकाते थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है, तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए। और अगर आपके पास दूध ख़त्म हो चुका है या मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी कंसिस्टेंसी जितनी आपको मतलूबा है उतनी आप इसको पतला कर सकते हैं। चलें जी, अल्फारेडो की जो हमारी वाइट सॉस है वो रेडी हो चुकी है, चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे और उसको जो है ना हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। मैक्रोनी जब हमारी सॉस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमने जो अपना चिकन रेडी करके साइड में रखा था वो चिकन भी आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा, और उसको भी आप हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ लगा रहे हैं तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा और चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं करती तो फिर मैं ऊपर से चीज़ ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा इसको कलरफुल करना है तो एक शिमला मिर्च कट करके उसको हल्का सा ऑयल में सौते करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं, तो हल्का सा कलरफुल हो जाएगा। और बस यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ पास्ता को, और ऊपर से मैं जो है ना थोड़ा सा इसमें धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये कलरफुल सा हो जाए। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और आज का व्लॉग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है और आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जाने से पहले सब्सक्राइब बिल्कुल करें, लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी करवाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआ में याद रखें, और उनके लिए जो हो सकता है करें, बायकॉट करें, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बाइकआउट नहीं कर सकते और लेज नहीं छोड़ सकते, पेप्सी और ये वो फलाना ढमकाना, या हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सर्फ हो गए या डिश वॉश हो गए, तो हम विम लिक्विड नहीं छोड़ सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली के साथ खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या हम उनका फिर भी सामान ख़रीदेंगे, उनका तब भी बाइकआउट नहीं करेंगे। तो उनको भी अपने बहन भाइयों की तरह समझें, मुसलमान आपस में बहन भाई ही हैं। और इस अच्छी सी बात के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।